हे व्हाट्सएप यू गाइस। वैसे पिंपल होने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, तो उनमें से कुछ कारण रीजन कॉजेज कि क्यों होते हैं पिंपल, किन गलतियों से पिंपल होते हैं और उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक मैंने इसके अंदर सारी गलतियां बताई हैं। तो ये पार्ट टू, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहला मिल जाएगा और उस वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड में भी मिल जाएगा। आज की वीडियो शुरू करते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग बॉयज, लेट्स हॉप इनटू नंबर 9 इज ब्रेकफास्ट। वैसे ब्रेकफास्ट करना तो अच्छा होता है, लेकिन आपको मॉर्निंग के अंदर कई चीज़ें होती हैं जिन्हें आपने नहीं खाना चाहिए ब्रेकफास्ट के अंदर। दैट इज़ फ्राइड, स्पाइसी, कोई भी शुगरी, टी, कॉफ़ी वगैरह, इन चीज़ों का आपने बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि इनका हमारे डाइजेशन पर और इंसुलिन पर बैड इफेक्ट पड़ता है, और इनका अगर बैड इफेक्ट पड़ गया तो दोनों के अंदर गड़बड़ी हो जाएगी। ये बात सुनोगे कि हमारी जो स्किन की हेल्थ है वो हमारे गट की हेल्थ से पता चलती है, यानी कि अगर आपने कुछ गंदा खाया तो आपकी स्किन पर भी वो गंद ही दिखने वाला है। अगर आप अच्छी चीज़ें खाते हो ना तो आपको अच्छा इफेक्ट मिलता है आपकी स्किन पर, तो आपको इन चीज़ों को तो अवॉइड करना ही है। लेकिन अब आप क्या इंक्लूड कर सकते हो ब्रेकफास्ट के अंदर, दैट इज़ कोई भी फ्रेश फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकते हैं, रो वेजेस हो सकते हैं, और रो वेजेस हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपने सुबह सुबह अपने पेट के अंदर गंद भर लिया तो वो सारा कुछ खराब चला जाएगा। नंबर 10 इज सन एक्सपोजर। वैसे धूप लेना तो अच्छा होता है, मॉर्निंग की धूप और इवनिंग की धूप अच्छी होती है, लेकिन जब आफ्टरनून आता है यानी कि दोपहर, तो उस वक्त हमारा केस बिगड़ जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, जब हम बाहर होते हैं तो उस वक्त जो सन की रेज होती है हमारी जब स्किन पर पड़ती है तो वो हमारी स्किन को कर देती है ड्राई, और जब आपकी स्किन जो डिहाइड्रेट हो जाएगी उसके अंदर से मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, तो आप जो आप सीबम ग्लैंड है ना आपके स्किन के अंदर, वो सीबम ऑयल ज़्यादा सिक्रेट करेगा, ज़्यादा ऑयल सिक्रेट कर देगा, तो आपके फेस पर एक थिक लेयर बन जाती है ऑयल की। और मेन कारण यही होता है आपके जब फेस पर ज़्यादा ऑयल आ जाता है तो उससे पिंपल हो जाते हैं। बस ऑयल आ गया, उसको थोड़े से डर्ट की चाहिए जरूरत, और थोड़े मोटे बैक्टीरिया आ गए, बस आपको मिल जाएगा एक नया दोस्त यानी कि पिंपल। तो इसका सलूशन एक ही है, आफ्टरनून में आपको जितना हो सके उतना कम धूप में रहना है। अगर आप बाय चांस रहते हो तो आप डेफिनेटली सनस्क्रीन का डेफिनेटली यूज़ करिए, स्किप तो कम से कम धूप में रहना है, और धूप में जाना है तो सनस्क्रीन अप्लाई डेफिनेटली करनी है। नंबर 11 इज एक्सरसाइज। वैसे एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज होता है। एक्सरसाइज करने से आपको पसीना होता है, और वो पसीना जब आता है तो आपके जो बॉडी में से टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। तो एक्सरसाइज करना बेनिफिशियल तो होता ही होता है, आपको वर्कआउट एक्सरसाइज डेफिनेटली करना चाहिए। तो पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अब एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, जो हमारे स्वेट होता है फेस पर, उसके बाद आपको थोड़ा सा बैक्टीरिया मिल जाता है ना एनवायरनमेंट से, या फिर कोई भी डर्ट मिल जाता है, तो वहाँ से वो पिंपल हो जाता है। एक्सरसाइज के 10 से 15 मिनट के बाद आपको अपना फेस वॉश डेफिनेटली करना है, ताकि जो भी पसीना है, स्वेट है, टॉक्सिन्स हैं, वो आपके फेस से रिमूव हो जाएं। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो एक्सरसाइज को डेफिनेटली इंक्लूड कर लो अपने डेली रूटीन के अंदर, क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपके स्किन के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, और टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे ना तो आपकी स्किन उतनी ज़्यादा ग्लो रहेंगी, नेचुरल उस पर नेचुरल ग्रो रहेगा, और ब्राइट स्किन हाँ जी। तो शाम के वर्कआउट के बाद हमारी बारी आती है डिनर करने की। डिनर करना अच्छा है, लेकिन गलती कहाँ पे होती है, हमने डिनर करा और साथ के साथ सो गए, डिनर करा अगले सेकंड बेड पर, पंगा क्या होता है, जब हम डिनर करते ही सीधा सोने चले जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जो खाना होता है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो आपके डाइजेशन पर वो प्रॉब्लम बन जाता है, वहाँ हो जाती है गड़बड़, और आपके डाइजेशन पर अगर होगी गड़बड़ तो आपके स्किन पर भी वही हाल होने वाला है। तो इसके दो सोल्यूशन है, पहली बात, आपको सोने से 2 घंटे पहले डिनर करना है, ठीक है। डिनर करने के बाद आप कुछ 15 मिनट डेफिनेटली वॉक कर लीजिए, ताकि वो जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए थोड़ा सा। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, आपको लाइट खाना है, आपको मतलब ज़्यादा थालियां भर के नहीं खाना है, आपको लाइट फूड खाना है। जितना आप लाइट खाओगे उतना वो कम टाइम लेगा डाइजेस्ट होने में, और डाइजेस्ट अच्छा हो गया तो आपको पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ जी, तो डिनर करने के बाद हमारी बारी आती है ब्रशिंग की और फेस वॉश की। तो आप ब्रश नहीं करते हो, फेस वॉश भी नहीं करते हो, पिंपल तो होएगा ही। आपको ब्रश क्यों करना चाहिए सोने से पहले, डेफिनेटली खाना खाने के बाद यानी कि डिनर करने के बाद आपके मुंह के अंदर होते हैं बैक्टीरिया, और जो वो बैक्टीरिया होता है, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है आपके दांतों में जो अटका होता है, वो आपके पेट के अंदर चला जाता है ना, बैक्टीरिया भी चले जाते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं, और बैड बैक्टीरिया चले गए तो आपको पिंपल हो जाएगा।
तो आपको ब्रश सोने से पहले डेफिनेटली करना चाहिए। दूसरी बात, आपको फेस वॉश भी करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन का जो पसीना है, धूल है, पोल्यूशन है, डर्ट है, ऑयल है, सीबम है, डेड स्किन सेल्स है, उन सभी को हमें रिमूव डेफिनेटली करना चाहिए। और पता है पिंपल होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग ना सोने से पहले अपने फेस को वॉश नहीं करते, और फेस को वॉश नहीं करोगे तो आपको पिंपल हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, डर्ट, ऑयल, पोल्यूशन सब आपके फेस पर आए होते हैं, तो उसको वॉश करना है और अपने दांत को भी ब्रश डेफिनेटली करना है। एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस डेफिनेटली कर देना, ताकि आपको स्टाइल, ग्रूमिंग, फिटनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। अगर आपको इसका पार्ट वन देखना है तो आप पार्ट वन आप देख सकते हो, आई कार्ड के अंदर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।